पहले मुझे ना सीखना पड़ेगा। हाँ ये तो हो रहा है, ऐसा आ रहा है एंड सी। यूज़ करना आना चाहिए, अगर आपको ये सब यूज़ करना आता है तो ये आपके लिए A1 है। गाइस इसकी इस बटन से ना थोड़ा अवेयर रहना है। तो चलिए वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ। डायसन आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो मैं उसकी एक कॉपी लेकर आई हूँ जो मैंने ऑर्डर किया था। जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए बेस्ट है, और मैंने अभी तक इसको सिर्फ खोल के ही देखा है, यूज़ नहीं करा है प्रॉपर। यू कैन सी गाइस कि इसके अंदर वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जो डायसन में मेनली होते हैं। छीन है, और चलो इसको साथ में ट्राई करते हैं। हो रहा है तो सबसे पहले हम ना स्ट्रेटनर ट्राई करते हैं। क्या किया मैंने, इसके जो एरोज बने हुए हैं ये प्रेस किया, ये पुश किया, ये बटन की तरह ही देखो, ये पुश किया और इसके अंदर इंसर्ट किया और इसको गोल घुमा दिया। तो इन बालों में हम हेयर स्ट्रेटनर ट्राई करेंगे कि ये कैसा वर्क करता है, वर्क करता भी है या नहीं। बाल बाल में पहले में मेरे बाल बहुत बड़े हैं तो फिर मेरे को डिस्टर्ब हुआ। तो चलिए चल गया। गाइस इसकी इस बटन से ना थोड़ा अवेयर रहना है, मेरे से ये बार बार प्रेस हो जा रहा है और ये बंद हो जा रहा है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। अभी तो ये बंद हो गया था, आए कुछ चेंजेस ये, पर ये हीटलेस है, बिल्कुल हीटलेस है, बहुत ही वी ट्राई करनी सबसे बेस्ट और मेन जो सब जिसका वेट करते हैं। पहले मुझे ना सीखना पड़ेगा कि कहाँ से होता है। A few moments later. आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे ही करना है। मैं इसको देखती हूँ फिर से। हाँ वाओ, फाइनली फोर्थ टेक पे ये कर निकला है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर ये आएगा। इसको निकालते हैं, ठीक है, ओके। मैंने ये गलत स्टाइल में निकाला, बट इसमें ना एरो बना हुआ है। यस, तो ये एरो है तो उसकी तरफ आप मूव करोगे सो ये ओपन हो जाएगा। एक और इसके अंदर वो है, अभी हमने ये वाला यूज करा, एक ये लंबा और पतला है ये वाला, तो अब हम इसे यूज करके देखते हैं कि ये कैसा है। भाई मुझे तो ये बहुत पसंद आ गया कसम से, और मैं इसको खोल के देखूंगी। ओह माय गॉड, भाई लुक एट दिस गर्ल्स, कितना सुंदर लग रहा है ना दोनों। देखो तीन हम लोग ट्राई कर चुके हैं और अब मैं इसका ये ट्राई करूँगी। इसको यार पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे को ना याद नहीं आ रहा। इसको ना बाउंस के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन्हीं के साथ कर लेते हैं, ये ना बहुत बड़े हो जा रहे हैं तो फिर मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। इसमें बड़े क्लेचर्स का यूज़ करें क्योंकि फिर आपको डिस्टर्बेंस पड़ेगा। यार सीरियसली दे रहा है बाउंस, अगर मेरे कटिंग होती या फिर कुछ होता वो तो भी मेरे बाल स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधे हैं, वरना गिव बाउंसी लुक।
मुझे थोड़ा यूज करना सीखना पड़ेगा। लास्ट ये डायर है यार, मैं तो बार-बार इसको प्रेस कर दे रही हूं इसको बंद करने की वजह से। सो इसको चेक करते हैं कैसा है। आपने देख ही लिया होगा ये बहुत हवा फेंक रहा है। सो या लाइक 10 on 10 बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स थे ये सारे के सारे। सो गाइज ये जो सारे प्रोडक्ट थे अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपको ये सब यूज़ करना आता है तो ये आपके लिए A1 है। बाल फंसेंगे अगर आप बालों को अच्छे से सुलझाओगे नहीं तो इसमें बाल फंसेंगे। और इसमें मेरे एक दो बाल और फंसे हुए हैं भाई, फंसे हैं ये देखो काफ़ी है ठीक है। बाकी अगर मैं सबसे बेस्ट इक्विपमेंट तो ये है ये वाला जो मैंने बाद में यूज़ करा था और एक ये, तो सारे ही बहुत अच्छे हैं बस आपको यूज़ करना आना चाहिए तो मस्ट गो फॉर इट। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट।